ये देखे क्या हालत हुई है, एकदम से ठीक ठाक थे हम। अन्ने वाह उस्ताद पुटीन हो तेरी मेरा हाथ को लगते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अदर व्लॉग। तो कैसे आप सब, खैर खैरियत से ठीक ठाक है? बस मैं जल्दी जल्दी से भी रेडी हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि शहबाज ड्राइवर है मेरा नाश्ते का वेट, नाश्ता नुश्ता लड़का लेके दे गया उसे, और वो बेचारा बैठा हुआ है। 20 मिनट हो गए, मैंने उसका यार रुक जा, मैं बस आया आया हम नाश्ता करते करते, क्योंकि मेरा फिर दिन कर रहा है वो पाए और चले खाने का, तो मैं कहा यहाँ पर वेट कर ले, मैं बस आ रहा हूँ। और एक मज़े की बात है, दुआ करें यार फिल्टर मिल जाए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ कि दुआ करें कल्टस मिल जाए, क्योंकि हमने कहीं जाना है और वो मैं आपको ऑफिस जा रहा हूँ। तो यार बिल्ली ने दान किया हुआ है, बिल्ली को ऐसा नौकुश्ती है ना ये। गुज्जर में आ गया, गुज्जर के सर्वनाश करने के। मैं शुक्र है पहुंच रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं की, शहबाज को 20 मिनट का कहा था और 28 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 28 या 32 मिनट। ये खाने के लिए आजा मेरे भाई, आजा बस कर दे आजा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया, सुकून आ गया। ये बची है, अरे हाय, मैंने कहा था कि मैं ऑफिस जाके ना एक बात बताऊंगा, वो पता क्या बात थी रे? देख वो बात ये थी कि मैंने कहा था अल्लाह करे कल्टस मिल जाए और हमने कहीं जाना है, तो वो तूने बताना है कि हमने कहाँ जाना है अगर आज कल्टस मिल गई तो। और दुआ भी करनी है कि या अल्लाह आज कल्टस मिल जाए। अब बता हमने कहाँ जाना है? जाना है मड़ी और आए तो हम बैठे हुए थे बॉस को, हमने कहा यार यार दो छुट्टी हैं तो हम बोर हो रहे हैं, चलो तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम यहाँ तक चले जाते हैं, बंदा थोड़ा फ्रेश हो गया आ जाता है। तो सामने का ठीक है, अगर गाड़ी आती है तो आप जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। गाड़ी नखे लगी है यूपी और बस ऐसे ही घूम फिर के आ गई है। तो अब हम दुआ कर रहे हैं सारे कि अल्लाह करे कि अल्लाह आज गाड़ी मिल गए, आज गाड़ी मिल गए, आज गाड़ी मिल गए, आमीन। काम कर करके बहुत ज़्यादा थक गया और मेरे सर में हो रहा था दर्द, काफ़ी देर मैं बाहर खड़े हो गया, गपशप कह रहे थे। और मुझे, मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, हमारे ऑफिस का एसी जो है आए दिन ख़राब, आए दिन ख़राब। ये हमने कब बनवाया था अगली दफ़ा? जवाब ये 4 दिन पहले में, ये भाई साहब 4 दिन पहले इसकी किट डली है और फिर से किट खत्म खलास, पर अब गाड़ी की समझ नहीं आ रही उसका क्या बनेगा। अभी तक सुजुकी मोटर से कोई कॉल भी नहीं आई और मैंने कॉल की उसने उठाई भी नहीं है। एक दफ़ा आप चक्कर तो लगा लेंगे उस हैं, एक दफ़ा आप चक्कर तो लगा लें, चक्कर चक्कर जाना बड़ी दूर है यार, गर्मी है। अच्छा कोशिश कर, चलो हो जाएगा, चले जाएंगे यार। वैसे ये कह तो सही रहा है, एक दफ़ा चक्कर लगा ले, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ थोड़ी अच्छी गुजर जाएंगी, तो फिर क्यों ना हाफिज़ की मान के चक्कर लगा लिया जाए। जाओ फिर जी, उस्मान को ले जाऊँ अकेला जाऊँ? हाँ जी उस्मान को ले जाओ। चलो ओके कर, उस्मान को बुलाते हैं, वो फिर अंदर बैठा। चल साहब के कहने पे मैं जा रहा हूँ, तो मैं कहा यार एक इत्तमाई दुआ कर दो हाफिज़ में, चले अच्छी सी दुआ कर दे फिर हम जाए, अल्लाह करे गाड़ी मिल जाए। तो बस जा, तू गुनाहों को छोड़ दे, अब नहीं गाड़ी मिलनी, इसने जो बात कर दी है ना, इसके गुनाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, इसके गुनाहों का बोझ बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हम खैर से जा रहे हैं, हमें गाड़ी मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम, मतलब नहीं बेटा, दूर दूर तक नहीं, ये तो मुझे लगता है 1 हफ्ता और मांग रही है। हैं? अन्ने वाह उस्ताद पुटीन हो तेरी मेरा हाथ को लगते। चल कोई नहीं, दोबारा सेट कर देंगे। ये नहीं मिलनी, आ जाओ भाई। उस्मान एक मसला, ये लोग गाड़ी अब खोल बैठे हैं और अब इनसे फिट नहीं हो रही, इसलिए नहीं दे रहे। तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, मुझे लगता है 1 हफ्ता और गुजर जाना। आ जाओ मेरी जान, चलिए गाड़ी नहीं मिल रही, हमें टेंशन ना ले। भाई साहब पेट्रोल ख़त्म हो गया, अकेला ना जाई।
देखा मैं बाइक चला चला के थक गया हूँ, तो तू ये भाई पकड़ अब पैदल ले गया, चावल चौक उठा के वो निकल गया, पेट्रोल खत्म हुआ है। फिटे मुंह तेरे उस्मानी, ओ पहुंच गया, ओ पहुंच गया। शुक्र है ज़्यादा दूर नहीं ख़त्म हुआ, ऑफिस के पास हुआ है, नहीं तो वो जलील हो जाना था। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, इंशाअल्लाह हमें गाड़ी मुझे लगता है अगले 20 दिन बाद मिलेगी। कसम से वैसे की वैसे खड़ी हुई है। ये देखिए क्या हालत हुई है, एकदम से ठीक ठाक थे हम अली जान मोटर पे, पता नहीं किसकी नज़र खा गई है ये हजूर के एक और रात, ये इसने मुझे नज़र लगाई है। पता है सर जी आज बहुत हैंडसम प्यारे और बहुत ही चीज़ें ला रहे हैं, ये इसलिए क्या पता नहीं क्या हुआ है, मेरा सुबह से सर दर्द था और इसके बाद ऐसा शदीद मेरा सर दर्द हुआ है, वॉमिटिंग और पता नहीं क्या क्या, और चेक करवाया तो मेरा बीपी है ही, अभी 2 इंजेक्शन लगे हैं, इंजेक्शन एक ही लगना था लेकिन 2 जगह पे लगा, सभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, फिर डॉक्टर को दोबारा बीपी चेक कराएंगे और फिर अल्लाह खैर करे बीपी लो हो गया और फिर जाए। इसका जितनी सेहत है इसका वैसे ही लो रहता है। शुक्र है अल्लाह का अब जाके मेरी कुछ तबीयत ठीक हुई है और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से घर, तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है, बेहतर थोड़ी नहीं काफ़ी बेहतर हो गई हुई है, अचानक ही मेरे से पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो टूर हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि गाड़ी मिली नहीं, और अगर गाड़ी मिल जाती तो टूर पर चले जाते, टूर नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक लगेगा, अब कन्फर्म नहीं है कि कब लगेगा, तो अभी यहाँ से घर जाते हैं रेस्ट मारते हैं, कल 12 रुपये लवर है और छुट्टी है, तो ये व्लॉग जाके अभी एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।